आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आज मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और सब लोगों से बातचीत करने का मौका देने के लिए। एक्चुअली जब मेरे पास इनविटेशन आया था तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। उन्होंने बताया कि पूरे दुनिया भर से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं एंड आई एम द लास्ट पर्सन हु नोज़ एनीथिंग अबाउट पोल्यूशन। सो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा। मैं बेसिकली अपने पिछले एक साल के एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत मैं शेयर कर सकता हूँ। सुनीता जी को बधाई देता हूँ इसको, इस पूरी दो दिन की इट्स टू डेज मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज हम भी जानना चाहते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में वो कौन कौन से स्टेप्स थे जिनको करने से फ़ायदा हुआ, अगर वो हमें पता चलेंगे तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि दो ही मुझे लगता है दो चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है पॉलिटिकल विल और दूसरी होती है सोल्यूशन क्या है। अगर सोल्यूशन पता हो और पॉलिटिकल विल ना हो तो भी नहीं हो सकता, और अगर पॉलिटिकल विल और सोल्यूशन ना पता हो तो भी नहीं हो सकता। तो इस सरकार में अब जो दिल्ली के अंदर सरकार है उसकी पॉलिटिकल विल तो है। आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी हमें बताएंगे तो हम करेंगे, लेकिन उसमें बस थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जैसे मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, सुनीता जी भी बहुत इम्पेशेंट हैं, तो लेकिन बिकॉज पॉलिटिक्स में सबको साथ लेके चलेंगे तो वो सस्टेनेबल होता है, और अगर सबको साथ लेके नीचे, एंड दैट आई विल शेयर थ्रू माय एग्जांपल्स ऑफ द लास्ट वन ईयर। पर सबसे पहले आज मुझे यहाँ के बड़ी खुशी इस बात की है कि सुनीता जी ने कहा कि ऑड इवन बहुत ज़रूरी है और बहुत सक्सेसफुल है। तो जितने मीडिया वालों के क्वेश्चंस हैं फॉर ऑड इवन, प्लीज़ डायरेक्ट ऑल योर क्वेश्चंस टू सुनीता जी, एंड वो तीन दिन से पीछे पड़े हुए हैं मेरे। नहीं, बहुत करने की जरूरत, मैं आ रहा हूँ उस पर, सब पे आ रहा हूँ। कल मेरे पास कनाडा से एक डेलीगेशन आया, और कनाडा के हाई कमिश्नर भी थे जो दिल्ली के अंदर हैं, और ओटावा के मेयर भी थे। एंड दे सेड दैट वी हर्ड दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑड इवन इन दिल्ली, एंड सो वी वुड अज्यूम दैट ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द कार्स आर ऑफ द रोड, बट स्टिल द न्यूज़पेपर्स आर रिपोर्टिंग दैट द पोल्यूशन हैज गॉन अप। सो ही सेज हाउ इज दैट पॉसिबल? आई सेड इवन आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, हाउ इज इट पॉसिबल कि 30-40% गाड़ियां सड़क के से बाहर हो गई। सारे पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे बिकॉज 40% पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो गई, लेकिन फिर भी पोल्यूशन बढ़ गया। तो मैं ये सोच रहा था कि अब क्या करें पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो आई एम हैप्पी दैट एन एक्सपर्ट हैज सेड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो हम कर रहे हैं ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। पिछले साल जब हमारी सरकार बनी तो तुरंत हम लोगों ने विद इन अ मंथ और टू मंथ्स आई थिंक वी इन्वाइटेड सुनीता जी टू आर ऑफिस। शी केम विद अ टीम एंड वी हैड टू और थ्री राउंड्स ऑफ डिस्कशंस, और ये सारे स्टेप्स जो अभी उन्होंने बताए हैं वो सारे स्टेप्स उन्होंने हमें उस टाइम बताए थे। हमने बहुत अच्छे से उसको नोट किया था और उस पर काम करना शुरू किया था। दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एंड इन वन ऑफ द जजमेंट्स और ऑर्डर्स शायद दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि दिल्ली हैज बिकम अ गैस चैम्बर। सो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए और कुछ इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए, तुरंत कुछ करना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म तो फिर लॉन्ग ही हो जाता है, वो होता नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद लगा कि ऑड इवन इज समथिंग दैट कैन बी इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड। 1 दिसंबर को हम लोगों ने तय किया कि हम ऑड इवन इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च की इधर उधर, नेट के ऊपर मैंने सारी स्टडीज़ की, और मुझे पता चला कि जहाँ जहाँ ऑड इवन दुनिया भर में किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, मोस्टली जगह वो काफ़ी अनपॉपुलर हुआ था बिकॉज लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, लोगों को बड़ी असुविधा हुई थी, और लोगों ने रिएक्ट किया था, एंड इट वॉज़ अ वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। और बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए होता था, 2 दिन 4 दिन 15 दिन 1 महीना, छोटे छोटे पीरियड के लिए इमरजेंसी बेसिस पे उसको किया गया था। अब भी मुझे लगता है हाइंडसाइट में अगर 1 दिसंबर को हम लोग ऑर्डर निकाल देते कि 1 जनवरी से दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू होगा, और जो इसको ऑड इवन को फॉलो नहीं करेगा उसकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, 2000 रुपये का फाइन लगाएंगे, और देखते हैं कौन नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ 1 जनवरी को जूते पड़ते हैं हम लोगों को, जनता इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिएक्शन होता।
इस एक महीने के अंदर हम लोगों ने जनता के साथ एंगेज किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंगेज किया। मैं पर्सनली कई इलाकों में जा जा के लोगों से मिला, उनको समझाने की कोशिश की कि देखिए पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कई लोग दिल्ली के अंदर समझते हैं ये PM10 क्या होता है, PM2.5 क्या होता है, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हमारी सेहत की बात है, आपके बच्चों की सेहत की बात है, या आपके बच्चे जो खांस रहे हैं इतना, डॉक्टर्स ने बताया, वो डॉक्टर नरेश त्रिहान ने एक लंग्स की फ़ोटो भी नेट पे डाली थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो काफ़ी हम लोगों ने एंगेज किया लोगों के साथ और उनको ये भी कहा कि एक बारी करके देखते हैं, 1 जनवरी को करके देखते हैं। आपने मेरे एड्स सुने होंगे जो रेडियो पे आते थे और टीवी पे भी दिए थे कि भाई एक बारी करके देखते हैं, अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो वापस ले लेंगे, 2 दिन बाद वापस ले लेंगे। मैंने ये भी बोला था कि 2 दिन बाद वापस ले लेंगे, तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, आपकी मर्जी के बिना नहीं करेंगे, लेकिन एक बारी करके देखते हैं। हम लॉयर्स के ग्रुप से मिले, हम डॉक्टर्स के ग्रुप से मिले, विमेन ग्रुप से मिले, सबको समझाने की कोशिश की और फिर हम लोगों ने 1 जनवरी को जब उसको लागू किया तो जनता ने उसको सपोर्ट किया। लगभग 20-25-30 लाख व्हीकल्स रोड सड़क पे उतरते हैं और 1 जनवरी को 200-300-400 के करीब चलान हुए थे। तो अगर 20 लाख व्हीकल्स में से केवल 200-300 लोगों ने उसको वायलेट किया, सो इसका मतलब बाय एंड लार्ज जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। मैं ये सोचा था अगर 10,000 लोग इसको वायलेट करते, हमारी सारी मशीनरी लग जाती, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, फिर तो वो हाथ से गया था। सो इसका मतलब 2,000 रुपये के फाइन के डर से लोगों ने नहीं किया था। दिल्ली के अंदर 2,000 रुपये तो यूं ही आदमी लुटा देता है, लोगों ने किया था, दिल से किया था, बिकॉज लोगों को लग रहा था कि अच्छी चीज़ है और लोगों ने कार पुलिंग करके उसको किया था। 15 दिन इसको किया गया, 15 दिन के बाद पोल्यूशन के लेवल्स में कितनी गिरावट आई इसके ऊपर अलग अलग स्टडीज़, अलग अलग किस्म की स्टडीज़ हैं, लेकिन जो वर्स्ट भी कह रहे हैं वो भी ये बात तो मानते हैं यार 15% के करीब तो गिरावट आई। अगर 15% भी गिरावट, कहते 15% तो आई, 15% भी गिरावट आई तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, 15% भी आई थिंक इट्स वर्थ इट, उसमें क्या दिक्कत क्या है, 15% भी आई तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसके बाद तो दिल्ली शायद अकेला शहर है दुनिया भर में जिसमें 15 दिन के बाद एक जबरदस्त डिमांड क्रिएट हुई कि जी दोबारा कीजिए ऑडिवन, दोबारा कीजिए। उसका कारण पोल्यूशन नहीं था, उसका कारण ट्रैफिक कंजेशन था, कि कंजेशन इतना कम हो गया कि एक एक घंटा जहां जाने में लगता था वहां लोग 30 मिनट में, 40 मिनट, 20 मिनट में पहुंचने लग गए। तो लोगों को लगा यार ये अगर हो जाता है तो इट एक्चुअली मीन्स सो मच ऑफ मेंटल पीस लोगों को ड्राइव करने में, वो रोड रेज और ट्रैफिक लाइट में कम खड़ा होना पड़ता है। सो लोगों ने डिमांड किया कि इसको दोबारा कीजिए एंड अभी दोबारा आप लोग देख रहे हैं कि चल रहा है दोबारा ये। और आपने टू व्हीलर की बात कही कि टू व्हीलर को इसमें लाना चाहिए, टू व्हीलर को इसलिए नहीं उसको एग्जेम्प्ट किया गया कि वो गरीबों का व्हीकल है, अमीरों का व्हीकल है, वो वाली डिस्टिंक्शन नहीं की गई। द रीज़न इज हमने जब 15 दिन जनवरी के महीने में डेटा एनालाइज किया तो 15 दिन की दौरान ऑड इवन की वजह से मेट्रो की राइडरशिप केवल 0.7% बढ़ी थी और बसों की राइडरशिप केवल 5% बढ़ी थी। तो इसका मतलब जो 20-30% लोग अपनी गाड़ियां छोड़े थे वो कहां गए, दे वेंट फॉर कार पुलिंग। तो एक चीज क्लियर हुई कि आदमी अपनी गाड़ी छोड़ के बहुत जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नहीं जाता। उन दिनों में 15 दिन के अंदर भी बसें खाली जा रही थी, उन दिनों में भी मेट्रो में उतनी भीड़ थी जितनी पहले होती थी। तो इसका मतलब गाड़ी छोड़ के बहुत जल्दी आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाता। लेकिन अगर आपने टू व्हीलर्स को कर दिया, टू व्हीलर्स को दिल्ली के अंदर 40 लाख के करीब रोज मोटरसाइकिल या स्कूटर चलते हैं, अगर आपने 40 लाख में से 20 लाख को सड़क से उतार दिया, ये सारे के सारे आपकी बसों में और मेट्रो में जाएंगे, बिकॉज उसमें कार ये टू व्हीलर की पूलिंग ऑलरेडी बहुत सारी पूलिंग होती है, आई मीन 70-80% लोग तो दो दो करके ही जाते हैं, और उसमें अगर आपने वो कर दिया तो आपका सारा का सारा ये लोड मेट्रो और बस के ऊपर जाएगा। और अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारी मेट्रो 20 लाख एडिशनल लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बसें 20 लाख एडिशनल लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हम टू व्हीलर को इसके अंदर ले आते हैं, दिल बी क्योस ऑन द रोड्स, दिल बी कंप्लीट एनार्की ऑन द रोड्स। तो जब तक हम बसें नहीं ले आते, जब तक हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं कर लेते, जिसको मुझे लगता है कि अगर हम वॉर फुटिंग पे भी करेंगे तो 1.5 साल से कम नहीं लगेगा कि हम बसें और लेके आएं और ट्रैक्स वगैरह, वो सारा करने में भी 1.5-2 साल लगेंगे, उसके पहले हम लोग टू व्हीलर्स को ऑड इवन के अंदर नहीं ला सकते। देर इज हमारे वो नहीं है, कुछ मीडिया वाले कहते हैं कि हम वोट बैंक वो है हमारा, हमारा तो आप सब लोग ही वोट बैंक है हमारा।
जब लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी तो उसमें हिंदुओं ने भी दिया था, मुसलमानों ने भी दिया था, क्रिश्चियंस ने भी दिया था, अमीरों ने भी दिया था, गरीबों ने भी दिया था, नहीं तो 70 में से 67 सीट नहीं आ सकती थी। तो हमारे तो सारे ही वोट बैंक हैं, हम किसको छोड़ें, किसको कहें तू हमारा नहीं है और तू हमारा है, हमारे सारे हमारे हैं, पूरी दिल्ली के लोग ही हमारे हैं। तो दैट वॉज द रीजन फॉर टू व्हीलर्स, वी हैव टू वेट। वैट जो आपने कहा डीजल के ऊपर, वो एक्चुअली एक देर इज, अभी जब हमारी सरकार बनी तो हमने चार या पांच स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और ये डिसाइड किया कि बहुत सारे आइटम्स के ऊपर डिफरेंशियल वैट की वजह से इधर का माल बिलिंग उधर होती है, उधर की बिलिंग उधर होते हैं। हाँ, तो अभी वो 50 पैसे शायद कम किया है, तो मे बी आई रिक्वेस्ट मनीष कि वो अगर बाकी सारे फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें तो, पर वो हरियाणा ने इसको कम कर दिया था तो बाकी सब स्टेट्स इसको 50-50 पैसे कम कर रहे हैं। सो रीजन वाज नॉट टू एनकरेज डीजल, बट द रीजन वाज दैट वी वांटेड टू इक्वलाइज इट दैट। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, इट दिस इज ऑड इवन इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज बिंग डन, इट इज जस्ट दैट ऑड इवन पूरे दिल्ली की जनता को अफेक्ट करता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपने अभी लिखी भी थी। एक तो 1 अप्रैल से आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि ग्रीन करना, जितनी सड़क के बीच में जो सेंट्रल वर्ज है और जो साइड में फुटपाथ है वो कई टूटे पड़े हैं और वहाँ पे मिट्टी है और वो मिट्टी उड़ती है, तो उसको ग्रीन करने का और उनको वो करने का, टाइल्स लगाने का काम शुरू किया गया है। और हमें उम्मीद है ये ग्रीनिंग वाला जो काम है ये अक्टूबर नवंबर तक रीजनेबली काफ़ी सारी सड़कों के, हमारे पास 1260 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, बाकी सारी एमसीडी के अंडर में आती हैं, तो एमसीडी के ऊपर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हमने एक साल में दिल्ली की सारी सड़कें, पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें कर दी तो नेक्स्ट ईयर जब एमसीडी जीतेंगे तो उसके बाद एमसीडी की भी सारी सड़कें हम लोग साथ साथ 1 अप्रैल से वैक्यूम क्लीनिंग का भी काम शुरू हुआ है। शी राइटली सेड दैट सुबह सुबह जब झाड़ू लगती है वो बेचारा झाड़ू वाला उसको साइड में कर देता है और फिर एक गाड़ी आती है और वो फिर सारा का सारा इधर आ जाता है तो वो झाड़ू लगनी बेकार हो जाती है। तो वैक्यूम क्लीनिंग 1 अप्रैल से शुरू हुई है और हमें उम्मीद है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों के ऊपर वैक्यूम क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। पीयूसी एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सजेस्ट सम सोल्यूशन। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है, जब आप जाते हो पेट्रोल पंप के ऊपर, आप सर्टिफिकेट लेते हो, इट इज़ वेरी इजी टू बाय अ सर्टिफिकेट, आपको चेक कराने की भी जरूरत नहीं है, आप खरीद सकते हो सर्टिफिकेट, इतने पैसे दो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो हम लोगों ने, हमारी जब सरकार आई थी हम लोगों ने सारे पीयूसी सेंटर्स को सेंट्रल सर्वर से अटैच कर दिया और हमने ये किया कि सेंसर जब अंदर डालेगा वो उसके एग्जॉस्ट में तो जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग हमारे सेंट्रल सर्वर पे आएगी और यहाँ से जब तक उसको ऑटोमेटिक सिग्नल मिलेगा, इफ़ इट इज़ अंडर कंट्रोल तो उसको सिग्नल मिलेगा एंड ओनली देन अ प्रिंट आउट विल कम आउट कि भाई इट इज़ अंडर कंट्रोल, अदरवाइज उसका प्रिंट आउट नहीं आएगा। हम बड़े खुश थे कि बड़ी तोप मार दी हम लोगों ने, लेकिन वो तो और ज़्यादा माहिर हैं इसमें। अब हमें पता चला है कि वो सेंसर को पूरा नहीं डालता, वो आधा डालता है, तो अभी भी सर्टिफिकेट तो वैसे ही मिल रहे हैं। तो ये सारी 8 महीने की मशक्कत के बाद मुझे लगा था हम खूब पूरे दिल्ली में प्रचार करेंगे कि अब पीयूसी का जो सर्टिफिकेट नहीं लेगा उसको हम पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर मेरे वॉलंटियर्स ने मुझे ला के दिखा दिया, कहते हैं देखो जी हमने ला के दिखा दिया, फर्जी ला के दिखाया, फर्जी है हमारा और माय पोल्यूशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो इसके ऊपर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसका क्या तरीका है, इफ़ यू कुड सजेस्ट। हाँ, लेकिन काम तो करना चाहिए, तो वो उसका कोई तरीका निकालने, वी हैव आस्क्ड द टेक्नोलॉजी पीपल टू फाइंड आउट कि उसको वो सेंसर को किस तरह से किया जाए, क्योंकि अगर सारी गाड़ियां जो चल भी रही हैं वो अगर कंट्रोल में, अगर पोल्यूशन उनका रहेगा तो इट इज़ ऑलवेज गुड। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सख्ती की है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा अपना मानना है, प्राइवेट वाले तो करते हैं, सबसे ज़्यादा वायलेटर इसका सरकार है, जो इन्होंने भी कहा सरकारी जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें इतनी मिट्टी उड़ती है। रानी झांसी रोड देख लीजिए आप, रानी झांसी रोड पे एक फ्लाईओवर बन रहा है जो मेरे को बताया गया पिछले 20 साल से फ्लाईओवर बन रहा है और वो अटका पड़ा हुआ है, और क्योंकि एमसीडी के पास पैसे नहीं है, वो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो फ्लाईओवर कैसे बनाएंगे, तो वही अगले साल जब आप एमसीडी में हमें वोट दोगे तो उस फ्लाईओवर को फिर पूरा कराएं। मैं अभी गया था
मैं अभी गया था दो दिन पहले, उधर से गुजर रहा था, इतनी मिट्टी वहां पे, मतलब पोल्यूशन की तो क्या बात करें, वहां आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज्यादा मिट्टी उसके ऊपर थी। अब आप किसके ऊपर उसका उसकी पेनल्टी लगाओगे? एमसीडी पे पेनल्टी लगाओगे? उनके पास तनख्वाह तो है नहीं देने के लिए, वो पेनल्टी के पैसे आपको क्या देंगे? तो लेकिन जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उस पर अमाउंट हम लोगों ने पेनल्टी का बढ़ाया है और उस पर काफ़ी कंट्रोल करने की एंड बड़ी सख्ती के साथ उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ट्रक्स का एक बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले 9 बजे के बाद ट्रक्स की एंट्री दिल्ली के अंदर होती थी और 9 बजे तक दिल्ली का अपना ट्रैफिक जो है वो सड़क पर ही होता था, इट इज़ लोग सड़क पर होते थे, लोग अभी घर नहीं पहुँचे होते थे, तो वो जब ट्रक्स आते थे और दिल्ली का ट्रैफिक जब एक दूसरे से मिलता था तो 9 बजे के बाद कई बार आपने देखा होगा सड़कों पर जबरदस्त जैम लगता था और वो जैम बहुत ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूट करता था पोल्यूशन को। तो इसको 9 बजे से बढ़ा के 11 बजे हम लोगों ने किया है ताकि वो अब इसका थोड़ा सा असर पड़ा है। हालांकि ये बहुत सारे लोग आए थे, नहीं जी इस तरह की गाड़ी का नहीं होना चाहिए उस तरह की, बट वी हैव नॉट मेड एनी एक्सेप्शन एंड सारे ट्रक्स जो हैं वो 11 बजे के बाद दिल्ली में एंटर करेंगे। गुड न्यूज़ इज़ दैट आई मेट यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी अ फ्यू डेज बैक और वो ईस्ट और वेस्ट पेरिफेरल बन रहा है दिल्ली के बाहर। दिल्ली के बाहर से ही 2 सड़कें बन रही हैं जो दिल्ली को कम्प्लीटली बाईपास करेंगी। सो जो ट्रक दिल्ली के अंदर से गुजरते हैं, मान लीजिए हरियाणा से किसी को गाजियाबाद जाना है तो वो ट्रक दिल्ली के अंदर से गुजरता है, जो ट्रकों को दिल्ली के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है वो बाहर की बाहर जा सकेंगे। एंड ही हैज़ प्रोमिस्ड एंड ही टोल्ड मी दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन हिम अ टारगेट कि ये दोनों ईस्ट और वेस्ट पेरिफेरल जो हैं वो 400 दिन के अंदर पूरे हो जाने चाहिए। सो आई होप दैट बाई नेक्स्ट ईयर दीज 2 ईस्ट एंड वेस्ट पेरिफेरल जब अगर हो गए तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% ट्रैफिक आपका ट्रकों का ये बाहर की बाहर निकल जाएगा और बहुत बड़ा हिस्सा पोल्यूशन का बताते हैं ट्रक्स की वजह से है जो रात को दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं। इनके ऊपर तो कोई पोल्यूशन नॉर्म्स नहीं है, कुछ नहीं है इनके ऊपर, नथिंग अप्लाई, और इतना धुआं फेंकते हैं ये ट्रक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, इसमें समय लग रहा है बिकॉज देर आर सेवरल मॉडल्स विच आर देयर, लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम काफ़ी सारी बसें इस साल इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। उसमें एक सबसे बड़ा 2-3 दिन के अंदर एक बस एग्रीगेटर पॉलिसी अनाउंस होने वाली है जिसमें हमें उम्मीद है कि कई सारे प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा। दिस इज बस एग्रीगेटर पॉलिसी इज बेसिकली अ प्रीमियम बस सर्विस। हमारी ज़्यादा मतलब जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो ज़्यादा चिंता है कि गाड़ी वाले अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के बसों में आएँ। जिस दिन गाड़ी वाले अपनी गाड़ी छोड़ के बसों में आएंगे उस दिन पोल्यूशन कम होगा, उस दिन सड़कें जो है डीकंजेस्ट होंगी। तो गाड़ी वाले कब आएंगे? गाड़ी वाले तभी आएंगे जब उनको अच्छी बस सर्विस मिलेगी। जैसे जब मेट्रो आई थी तो हमें याद है कि मेट्रो में बहुत सारे इवन मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय मेट्रो, दे लेफ्ट देयर कार्स, लेकिन अब मेट्रो में भीड़ इतनी ज़्यादा होने लग गई है कि लोगों ने फिर वापस अपनी गाड़ियाँ बाहर निकाल रही हैं। तो बस एग्रीगेटर्स जैसे ये कार एग्रीगेटर्स हैं उसी तरह से बस एग्रीगेटर्स की एक स्कीम 2-3 दिन में आने वाली है जिसमें द बस हैज़ टू बी एयर कंडीशनर, इट हैज़ टू हैव सर्टन, उसमें कोई भी खड़ी हुई सवारी अलाउड नहीं होगी, केवल यू विल गेट अ प्रॉपर सीट एंड वो 2-3 दिन में आएगी। तो उसमें हमें उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़े स्तर के ऊपर उसमें इन्वेस्ट करेगा और ये बसेस वो करेगा। और दूसरा 3,000 से 4,000 बसें हम दिल्ली सरकार भी क्लस्टर सर्विस के अंदर और तरह तरह से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश। सबसे बड़ी चैलेंज हम लोगों के पास बसेस की ये नहीं है कि बस खरीदने के पैसे नहीं है या बस कैसे आएगी, सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे पास बसेस के मामले में डिपो का है। हमारे पास ज़मीन नहीं है और दिल्ली सरकार के पास ज़मीन नहीं है, आपको सबको पता है जमीन इज़ विद डीडीए, डीडीए के पास ज़मीन है और वहाँ आके मामला अटक जा रहा है बिकॉज डीडीए कह रहा है कि हम आपको 4 करोड़ रुपये पर एकड़ में ज़मीन देंगे और हम कह रहे हैं भाई ये हम ज़मीन कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ले रहे, ये बसें खड़ी करने के लिए ले रहे हैं, तो वी आर नॉट टेकिंग दिस। तो आप अपने जब अब स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, इसके लिए ज़मीन अगर आप 4-4 करोड़ रुपए में देना चालू करोगे, एट द एंड ऑफ द डे द डीडीए इज़ नॉट सपोज टू मेक मनी आउट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, डीडीए सपोज टू गिव मनी, गिव लैंड फॉर पब्लिक पर्पजेज। तो अगर हमें, अगर 10,000 हम एक मोटा मोटा एस्टिमेट बना रहे थे, 10,000 बसें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है दिल्ली में, इन 10,000 बसों को खड़ा करने के लिए हमें 500 एकड़ ज़मीन चाहिए और अगर ये 500 एकड़ ज़मीन अगर हमने इनसे खरीदी तो 2,000 करोड़ रुपए हमें केवल ज़मीन ज़मीन खरीदने के लिए चाहिए। तो हम उनको बार बार कोशिश कर रहे हैं मनाने की कि भाई आप ये ज़मीन दे दो, आप ओनरशिप आप ही रखो,
आप हमें लीज पे दे दो, एक रुपए की दो रुपए की लीज पे दे दो, ओनरशिप आप ही रखो, लेकिन बसें खड़ी करने के लिए तो कहीं जगह चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इफ यू कुड। काफी भुरेला जी हैं, हम लोगों ने मीटिंग करके, इनफैक्ट अरविंद जी लास्ट टाइम काफी लैंड क्लियर हो गया है, जो कोर्ट से हमने परमिशन ले ली है, तो आई थिंक इसको भी अगर आप कोर्ट को बता दें कि जमीन हमें नहीं हो जाए, हमें एक रुपए पे दिला दे, तो हम बहुत सारी बसें फिर एकदम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। राइट। दूसरा, गार्बेज बर्निंग पे आपने ऑलरेडी बोला कि वी आर वर्किंग ऑन इट एंड मॉनिटर, और सख्त करने की जरूरत है। मोर मॉनिटरिंग सेंटर्स आर हैव बीन सेट अप इन दिल्ली। सबसे बड़ी दिक्कत आज दिल्ली के अंदर ये आ रही है कि कोई डेटा ही नहीं है पोल्यूशन सेंटर वालों के पास। मतलब वो उन्होंने कोई 4-5-7 सेंटर बना रखे थे दिल्ली में, और उसी का डेटा, और उसका भी उनके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। उनसे पूछो पिछले साल का मार्च के एंड का दे दीजिए, दे जस्ट डोंट हैव द डेटा। अब हम लोगों ने कई जगह सेंटर्स बनवाने शुरू किए हैं, और इसका धीरे धीरे डेटा आएगा तो हम कह पाएंगे कि पिछले साल के मुकाबले पोल्यूशन बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अदरवाइज वी आर वर्किंग विदाउट द डेटा। एलिवेटेड बी वो हम कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जैसे पायलट बेसिस पे दिल्ली नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये दो इन प्रिंसिपल अप्रूव हो चुके हैं, एलजी साहब को हम प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। ये कॉरिडोर अगर बनेंगे, ये पीपीपी मॉडल पे बनने जा रहे हैं, ये कॉरिडोर में एक जैसे बीआरटी हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे, वो तो नीचे थी उसकी वजह से तकलीफ हो रही थी, यहाँ पे बीआरटी ऊपर होगी, तो एक लेन जो है वो बसेस के लिए होगी और दो लेन्स जो हैं वो दूसरे व्हीकल्स के लिए, और दो लेन्स जो हैं उनसे फिर टोल लिया जाएगा, और उनसे जो टोल लिया जाएगा दैट विल मीट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो एक तरह से जो बस से ट्रेवल करेगा, आज आप मेट्रो इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपको पता है कि मेरे को मंडी हाउस से सीपी पहुंचने में एग्जैक्टली इतने मिनट लगेंगे, यू कैन से मेरे को 4 मिनट लगेंगे, मेरे को 7 मिनट लगेंगे, हम मेट्रो से कह सकते हैं, लेकिन बस में नहीं कह सकते। बस में तो पता नहीं कहां जाम में फंस जाएगी, आप ये भी नहीं कह सकते 20 मिनट लगेंगे कि 1 घंटा लगेगा। एक बार आपका एलिवेटेड कॉरिडोर आ गया, उसमें इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेट्रो, आपकी डेडिकेटेड बस कॉरिडोर है, और आपके जैसे मेट्रो स्टेशन हैं वैसे बस स्टेशन बनेंगे, यू विल एक्चुअली गो क्लाइंब अप और वहां पे आप बस पकड़ेंगे और बस नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगी एट अ पर्टिकुलर स्पीड, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे को बस यहां से यहां तक इतने मिनट के अंदर पहुंचा देगी, तो आपको वो बसेस का कंफर्ट भी मिलेगा, सर्टेनिटी भी मिलेगी कि इतने टाइम के अंदर मुझे बस पहुंचा देगी। ये आने के बाद एक तरह से जो पे कर सकते हैं वो व्हीकल्स ऊपर जाएंगे, लेकिन बसेस के ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, बसेस विल बी फ्री ऑफ टोल टैक्स। ये दो कॉरिडोर्स ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ अगर इस साल टेक ऑफ कर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में तो 2-3 साल लगेंगे, अगर टेक ऑफ कर जाते हैं फाइनेंशियली, वो हो जाते हैं बिड विड हो जाते हैं, देन आई थिंक हम अगले साल पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर्स का पूरा जाल, वी कैन थिंक ऑफ मेकिंग दिस थिंग फॉर द बसेस एंड फॉर द बीआरटी। नहीं करना चाहिए इनसे पूछेंगे पहले, करने के पहले सोचेंगे। 10 सड़कों को रीडिजाइन किया जा रहा है, सड़कों के ऊपर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारी दिल्ली की सड़कें काफी चौड़ी हैं लेकिन उनकी डिजाइनिंग ठीक नहीं है, उसमें बहुत सारी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बहुत सारी सड़कें तो ऐसी है जिसमें फुटपाथ ही नहीं है, नो वन कैन एक्चुअली वॉक ऑन इट, तो प्रॉपर फुटपाथ की जरूरत है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो 6 लेन है और अचानक वो 4 में कन्वर्ट हो जाती है, और उस वजह से आपका ट्रैफिक जैम लगता है क्योंकि वो अचानक वो बॉटलनेक बन जाता है, तो अगर वो पहले ही 4 ही चले और 4 में ही रहे तो 6 की बजाय और 2 को आप फुटपाथ में कन्वर्ट कर दीजिए तो वो शायद वो बॉटलनेक नहीं होगा, वो ट्रैफिक जैम वहां नहीं लगेगा। सो अभी 10 सड़कों को पायलट बेसिस पे हम रीडिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो अच्छा हो जाता तो फिर दिल्ली की बाकी सड़कों को भी रीडिजाइन करेंगे। सो इस किस्म के बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सुनीता जी से, सीएससी कैन टेक अप दिस, दिल्ली में मच्छर बहुत हो गए हैं इसको कैसे डील करें, तो अगर आप थोड़ा रिसर्च इस पे कर लो, रिसर्च, मैं केवल डेंगू की बात नहीं कर रहा, डेंगू का तो एक तरह का मच्छर है, बट इन जनरल इतने मच्छर हो गए हैं, इतने मच्छर हो गए, एंड वी जस्ट डोंट नो हाउ टू व्हाट टू डू, एंड फ्यूमिगेशन इज नॉट द, इट्स अ वेरी टेम्पोरेरी सोल्यूशन, कुछ घंटों के लिए फ्यूमिगेशन कर लीजिए, कुछ घंटों के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन है, वी वुड राइट, वो फिर एमसीडी अगले साल जब चुनाव जीतेंगे। थैंक यू सो मच।